सर जी, मुझे लगता है कि अगर बाजार में, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, एंड बाजार में अगर सपोर्ट लेना है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रिलायंस का। और चूंकि हम रिलायंस का ओवरऑल अगर आप 5 मिनट चार्ट भी देखते हो तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि यहाँ पे हर डिप, हर छोटे टिक में सिर्फ बाइंग ही हो रही है। और 2100 पे जो कॉल लेटर्स है, लगभग लगभग 2 लाख कॉल लेटर वहां से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट शेड हो रहा है वहां पे। दैट सिंपली शोज के जो बेस है वो 2100 के आसपास सेट करने की रिलायंस में कोशिश हो रही है। सो रिलायंस यही मेरा पिक होगा, मेरा एक ट्रेडिंग बेट रहेगा आप कह सकते हैं। 2150 का इसका पहला टारगेट है, 2150 निकल गया तो फिर बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। सो रिलायंस इज अ बाय, 2090 का स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, ऑप्शंस में आपका वैसा नुकसान कम होता है, तो ऑप्शन सेफ बेट समझा जाता है। तो 2120 का कॉल ऑप्शन करीबन 30 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करें। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए पे आना चाहिए और जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन 55-60 का पूरा होगा। प्रोबेबली ये थोड़ा पोजिशनल रहेगा, लेकिन ऑप्शन एक सेफर बेट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज 2120 की आप कॉल लेंगे, करीब करीब 55 से अगर आप देखें 60 रुपए का टारगेट और 20 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। चलिए अब बात करते हैं गौरांग शाह जी से।